भाई टेढ़ा हो चुका है, अब राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो भाई कैसी इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फाइनली गाइस इंडियन वैग ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आ चुका है चीट कोड ट्रैक्टर का। जैसे आप ये वाला चीट कोड डालोगे आपके सामने होगा ट्रैक्टर, और भाई आप उसको ड्राइव भी कर सकते हो। और हाँ गाइस RGS टूल में एक न्यू अपडेट आया है, और भाई वो क्या अपडेट है फिलहाल आपको मैं बता ही देता हूँ। बट भाई सबसे पहले तो भाई आपको दिखाऊँ, भाई इसको ब्लू कलर में कर दो भाई कितना ज़्यादा मस्त लगेगा। इसको कोई सा भी कलर कर सकते हो आप, मैंने ब्लैक कर दिया और भाई कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। अब हम बात करते हैं भाई RGS टूल में क्या अपडेट आया है। भाई RGS टूल में एक न्यू रैंप आ चुका है, जिसके अंदर मतलब कोई सी भी गाड़ी को आप ऊपर नीचे की ओर कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी। तो इसको कैसे मंगाना वो भी बताएंगे भाई आपको। और भाई ये फिलहाल गाड़ी वाले अंकल यहाँ पर फंस चुके हैं, इनको छोड़ो भाई। यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा, भाई इसका मुझे नाम नहीं पता भाई, बहुत ज़्यादा बिग है। इसको भाई सेट करना पड़ता है, कैसे सेट करते हैं वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक ये वाला आता है। तो भाई इन सब को मंगाने के लिए आपको शुरू से लेकर इस वीडियो का एंड तक देख लेना, और भाई ट्रैक्टर का चीट कोड भी आपको आज की वीडियो में बता देंगे। तो फटाफट से भाई सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको इंडियन वैग ड्राइविंग 3D गेम सर्च करके उसको अपडेट कर लेना है। फिर उसके अंदर आपको भाई गेम के अंदर आ जाना है, और गेम के अंदर आने के बाद आपको लिखना 5643, ठीक है। जैसे आप इतना टाइप करोगे ना आपके पास ट्रैक्टर आ जाएगा, और आप इंडियन वैग ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ड्राइव कर सकते हो। अब भाई RGS टूल में क्या अपडेट आया भाई वो भी बात कर लेते हैं भाई हम। भाई 20 MB का अपडेट है तो भाई कुछ अच्छा ही होगा। तो भाई RGS टूल में चले जाना है, वहाँ पर आपको पता है क्या लिखना है, R1, ठीक है। R1 जैसे आप लिखोगे ना तो भाई ये पुराना वाला रैंप आ जाएगा, ठीक है, जिसको मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट ये भाई बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, इसका कोई ज़्यादा खास यूज भी नहीं है आज के टाइम पर। बट आपको पता है आप क्या लिखना है, R2। जैसे आप R2 लिखोगे ना भाई देखना क्या है। तो भाई देख सकते हो R2 पर ये आता है। तो भाई आप इसको इधर से उधर भी कर सकते हो भाई, आपको RGS टूल में लिखना है मोड ऑन, MODON, ठीक है। और भाई जैसे आप इतना टाइप करोगे तो भाई ऊपर देख सकते हो XYZ, यहाँ पर इनका सभी का यूज बताऊंगा भाई मैं आपको। तो हम थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं और ऊपर की ओर कर सकते हैं, और भाई इसको इसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देख रहे हो भाई टेढ़ा हो चुका है, अभी ऊपर की ओर जा चुका है, ठीक है। और भाई इसको हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जेट से जो है भाई क्या होता है, जेट के जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो भाई ये नीचे की ओर मतलब ऊपर और नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस वाले पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और भाई अप करते हैं भाई और उसके बाद। बट भाई इसको गायब करने के लिए फिलहाल आपको मोड ऑन ही रखना पड़ेगा, और भाई पिस्टल से इसको गायब कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी हो बट भाई पिस्टल लेनी है, केम से नहीं होगा। तो पिस्टल लेके भाई इन सबको गायब कर देता हूँ फटाफट से। चलो भाई गायब तो कर दिया। अब आपको RGS टूल में लिखना है R3, ठीक है। जैसे आप R3 लिखोगे तो भाई आपके सामने पंखड़ी आ जाएगी, ठीक है। आप इसको XYZ के अकॉर्डिंग इसको मतलब घुमा सकते हो। सबसे पहले तो भाई इसको बाहर निकाल लो भाई, जब इसको बाहर निकालोगे भाई तभी अच्छी लगेगी। और भाई देखो अब जो भाई XYZ का कंट्रोल सिखाता हूँ भाई, जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो ये रोटेट होने लगेगी, ठीक है, मुड़ने लगेगी। ये मुड़ चुकी है भाई काफ़ी, अब इसको भाई सीधा करना है। तो फाइनली गाइस ये सीधी हो चुकी है, देख रहे हो, और भाई इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो भाई कैसी इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से भाई। और भाई अब हम बात करते हैं भाई तीसरे चीट कोड की। तो फिलहाल RGS में ही है भाई, वो भी RGS में जाके आपको लिख लेना है R4, ठीक है। R4 जैसे आप टाइप करोगे तो भाई आपके सामने एक ये वाला रैंप आ जाएगा। भाई इनका क्या यूज है फिलहाल मुझे कमेंट में जरूर से बता देना, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट में बताओ भाई। एक साइड को कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी भाई XYZ के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको देख सकते हो भाई, घुमा सकते हो, देख रहे हो घूम रहा है ये, और भाई इधर को घूम रहा है। उसके बाद इसको उठा सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो भाई इसकी, देख रहे हो भाई इसको अपनी तरफ करते हैं भाई, ये नहीं भाई घूम रहा है। तो भाई पल्ली साइड गया भाई इसका चित्र, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई ये रहा। और आप इसको उठा सकते हो, ठीक है, ऊपर की ओर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, ठीक है। फाइनली भाई मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। और भाई अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो फटाफट से कमेंट में बता देना, और भाई आपको वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट बता दो। और भाई ऐसी मस्त मस्त अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लो। और भाई अगर आपको इनको परमानेंट सेव करना चाहते हो तो भाई आप अपने फ़ोन में लिख देना HD, ठीक है। जैसे आप HD लिखोगे तो भाई ये सेव हो जाएंगे। और भाई अगर इनका आप जैसे कि भाई देख सकते हो ये मोड ऑफ कर देना, ठीक है, इनको हटाने के लिए XYZ को, ठीक है, मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ लिख देना। जैसे आप मोड ऑफ लिखोगे तो फिलहाल मोड ऑफ हो जाएगा, और ना ही भाई ये गायब होंगे, ठीक है, पिस्टल से। पहले तो भाई गायब हो रहे थे, गायब करने के लिए भाई RGS में लिख देना मोड ऑन, तो भाई उसके बाद पिस्टल से इन पर गोली मार देना, फटाफट से आप गायब हो जाएंगे। तो भाई ट्रैक्टर का चीट कोड बता दी और सबका चीट कोड बता दी। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट बता देना। चैनल में जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर कर दो।